हुक्म लेता नहीं प्रोफेसर हुक्म देता है प्रोफेसर तुमने यहां जो कुछ सुना और देखा वो राज तुम्हारे होटों के पर्दे में बंद रहेगा वरना मिटा दिए जाओगे हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं हमसे जमाना खुद है जमाने से हम नहीं नमस्कार आप सभी का फिल्मी विरतान पर स्वागत है आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजकुमार की दमदार फिल्म बुलंदी से संबंधित ढेर सारे नॉन फैक्ट्स बजट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इस फिल्म के कलाकारों के बारे में तो आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और दबा दें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें बुलंदी एक एक्शन क्राइम और ड्रामा से भरपूर फिल्म है जिसे रिलीज किया गया था तेईस जनवरी उन्नीस को यह राजकुमार की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है इस फिल्म में अपने अभिनय का जलवा बिखेर था राजकुमार हेलेन आशा पारे डेनी किसी में आई लव एटी सिक्स साल उन्नीस सौ नब्बे में आई पुलिस पब्लिक साल उन्नीस सौ छियानवे में, में यह मझधार जैसी बेहतरीन फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था मोहन राव ने इस फिल्म के लेखन कार्य किया था मोइनुद्दीन संतोष ताहिर और इसमाइल श्रौफ़ ने मिलकर इस फिल्म का निर्माण श्री कला आर्ट्स के बैनर तले हुआ था इस फिल्म में संगीत दिया था आर डी बर्मन ने गानों की बोल लिखे थे मजरूह सुल्तानपुरी ने इस फिल्म में कुल छः गाने रखे गए थे जिनको अपनी मधुर आवाज से सजाया था किशोर कुमार मोहम्मद रफी आशा भोसले अमित कुमार आर डी बर्मन और दिलराज कौर ने इन गानों के बोल थे अभी तो हम हुए हैं जवान कहो कहाँ चलें अब जब हम एक साथ हैं अब रात हो गई जवान तेरा दिल और बाबू दिल से दिल मिले इत्यादि इस फिल्म के गाने काफी मेलोडियस थे और सभी गाने हिट हुए थे जिन्हें आज भी लोग सुनना पसंद करते हैं हैं आइए बात कर लेते इस इस फिल्म फिल्म की बजट और बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में इस फिल्म का बजट था एक करोड़ पांच लाख रुपए और इस फिल्म में भारत में कुल कमाई की थी दो करोड़ दस लाख रुपए की वहीं दुनिया भर में कुल कमाई की थी चार करोड़ बीस लाख रुपए की और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी दो घंटे चालीस मिनट लेंथ की इस फिल्म को आई पर दस में से छह दशमलव रेटिंग मिली हुई है आइए अब जान लेते हैं इस फिल्म से संबंधित ढेर सारे नॉन फैक्ट्स के बारे में फैक्ट नंबर एक बुलंदी साल में में कमाई करने के मामले नंबर पर थी अगर साल की 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 टॉप सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की बात जाए तो पहले नंबर पर थी क्रांति जिसने दस करोड़ रुपए की कमाई की थी दूसरे नंबर पर थी नसीब जिसने सात करोड़ पच्चीस लाख रुपए की कमाई की थी तीसरे नंबर पर थी मेरी आवाज सुनो जिसने छ करोड़ पचास लाख रुपए की कमाई की थी चौथे नंबर पर थी लवारिस जिसने छह करोड़ रुपए की कमाई की थी और पांचवे नंबर पर थी लव स्टोरी जिसने पांच करोड़ पचहत्तर लाख रूपये की कमाई की थी फैक्ट नंबर बुलंदी में ने पहली बार दोहरी भूमिका यानी डबल रोल निभाए थे और द्वारा किए बेहतरी गए बेहतरीन अभिनय की प्रशंसा की गई थी फिल्म में डैनी और उनकी तत्कालीन प्रेमिका किम यशपाल पर फिल्माया गया गाना कहो कहा चले बहुत प्रसिद्ध हुआ था किम यशपाल को आप लोगों ने डिस्कोस डांसर फिल्म के गाने जिमी जिमी आजा आजा में देखा होगा लेकिन डैनी और किम का प्यार मंजिल तक नहीं पहुंच पाया था और दोनों बाद में अलग हो गए थे इसके बाद किम फिल्म से दम नहीं हमसे जबाना खुद है जबाने से हम नहीं बेहद प्रसिद्ध हुआ था यह डायलॉग राजकुमार के सबसे आइकॉनिक डायलॉग्स में से एक है जो लगभग चालीस वर्ष बीत जाने के बाद भी छोटे से लेकर बड़े तक

हुई थी मित्रों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें धन्यवाद जय हिंद